हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है साथियों आज की एक इन्फॉर्मेशन वीडियो में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि CHSL का जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो था वो आ चुका है। अभी बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर CHSL की वैकेंसी कब आएगी, तो ये CHSL की कंप्लीट वैकेंसी आ चुकी है जिसका पूरा नोटिफिकेशन मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। और आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं आपकी कि क्या डेट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ और लाइक भी कर लीजिएगा। साथियों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो सबसे पहली जानकारी चाहिए होती है कि ये वैकेंसी में फॉर्म आप कब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो 1 फरवरी से लेकर 7, हो सकता है आपको PDF में डिटेल ना दिखाई दे, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, वहाँ से पता चल जाएगा आपको, क्योंकि ये कमीशन द्वारा PDF है तो हो सकता है मे भी आपको विजिबल ना हो। तो ये जो आपकी आप जो फॉर्म डाल सकते हैं वो 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं साथियों, ठीक है, 1 फरवरी से 7 मार्च तक। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो होती है एग्ज़ाम की कि सर एग्ज़ाम्स कब होंगे, परीक्षाएं कब होंगी। तो बेटा इसका जो परीक्षा है वो आपका मई में होने वाला है परीक्षा। डेट नहीं दी गई है लेकिन परीक्षा मई में होने वाला है। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा Tier 1, वो मई में होगा। फिर ये Tier 2 जो है डिस्क्रिप्टिव, वो आपका बाद में नोटिफाई किया जाएगा कि ये कब होगा, ठीक है। इसकी कोई डेट नहीं दी गई है, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कि जो SSC जो है वो सब कुछ पहले से क्लियर करके रखे कि कब प्री होने वाला है, कब मेंस होने वाला है, सारी चीज़ें। लेकिन यही चीज़ है, ये टू बी नोटिफाइड लेटर लिख के हमेशा से बेवकूफ़ बनाती है और बाद में ये खींचा चला जाता है। छोड़िए उन बातों को, तो बाद में देखेंगे, पहले जो प्री है वो मई में है, यानी अभी हम लोग फेब में हैं, यानी फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना आपके पास है दोस्तों इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद की जो आपकी क्वेरीज होती है वो ये होती है कि सर वैकेंसी कितनी है, इसमें पोस्ट कितने कितने पोस्ट होंगे CHSL में। तो साथियों इसका पोस्ट अभी नहीं क्लियर किया गया है, बाद में अपडेट किया जाएगा कि कितनी वैकेंसी है, ये पोस्ट अभी तक क्लियर नहीं किया गया। इसके बाद आपकी क्या क्वेरीज होती हैं, आपके जितने मन में सवाल आएंगे ना वो सब मैं खुद ही बता दूंगा पहले से ही, तो आपके आप लास्ट तक सुनेंगे तो कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं आपका। इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन ये चाहिए होती है बच्चों को कि सर इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है, कितने उम्र तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो बेटा इसमें 18 से 27 साल तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और ये जो आपका एज है वो 1 जनवरी 2022 तक ये आप इसके बीच में होने चाहिए, 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होने चाहिए 1 जनवरी 2022 तक, ठीक है भैया। इसका मतलब इसने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका जन्म 2 जनवरी 1995 से पहले नहीं होना चाहिए, 2 जनवरी 1995 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1-1-2004 के बाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, इसके बीच में आप आने चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, क्या क्या एज रिलैक्सेशन रहता है, तो भाइयों जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी 27+5 वो 32 साल तक एग्जाम दे सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। और बाकी जो OBC कैटेगरी में आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो मेन यही है, बाकी के फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह भी हैं तो वो आप PDF में देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। जनरल की 28 से 27 साल तक है, और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है बेटा, यानी 3 साल उसे छूट दी गई है। इसके बाद बच्चे का जो डाउट बनता है, मेन डाउट वो ये डाउट बनता है कि सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब इस परीक्षा को देने के लिए हमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि आप इस LDC पोस्ट के लिए आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, यानी 12वीं पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है कि इतना परसेंटेज चाहिए, कुछ नहीं है। देखिए, आप 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, पास होने चाहिए LDC पोस्ट के लिए। और अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट की बात करेंगे तो इसमें आप 12वीं पास तो होंगे, इसमें आप 12वीं पास तो होंगे लेकिन साइंस स्ट्रीम के साथ होने चाहिए। यह खास ध्यान रखिएगा कि अगर साथियों आप डेटा एंट्री ऑपरेटर को प्रेफर करते हैं तो आपका 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, तो ही आप डेटा एंट्री ऑपरेटर कर सकते हैं, और जिसमें मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है भाइयों। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इस चीज के लिए, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए और क्या जानकारी आपके लिए जो
इंफॉर्मेटिव है जो आपको जाननी जरूरी होती है। इसके अलावे जानकारी देखिए फीस, इसके बाद बच्चों की जानकारी होती है कि सर फीस कितनी पे करनी पड़ेगी इस परीक्षा के लिए। तो बेटा जो जनरल कैंडिडेट के बच्चे हैं उनको 100 रुपया पे करना होता है, 100 रुपीज पे करना होता है, और बाकी के जो है जो जनरल में लड़के की बात कर रहा हूं मैं, बाकी लड़कियों के लिए भी फ्री है और बाकी सब कैटेगरी के लिए फ्री है, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। हालांकि 100 रुपया भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसे मोबाइल रिचार्ज में उड़ा देते हो तुम, ठीक है, तो उसकी भी कोई ये नहीं है। इसके बाद आगे बात करें कि आगे क्या क्या इंफॉर्मेशन चीजें जो आपको जरूरत पड़ेंगी। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये परीक्षा किस किस तरीके से होगी, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे परीक्षा में, तो वो समझिएगा। इसमें सबसे पहले टायर 1 होता है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसके बाद टायर 2 होता है भैया जो डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें एसे वगैरह आपको लिखना पड़ता है, और उसके बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, यानी 3 फेज में इसके एग्जाम होते हैं, एक प्रीलिम्स, एक मेंस। मेंस में आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव है, मेंस ऐसा कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव आपको ऐसे वगैरह लिखना है, और तीसरा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये 3 फेज में आपकी परीक्षाएं होंगी। इसके बाद जो इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके एग्जाम में क्या क्या आएगा, कितने मिनट की परीक्षा होगी, वो आपको जानना है। तो बेटा ये 60 मिनट की परीक्षा होती है, 60 मिनट्स की ये परीक्षा होती है, ध्यान रखिएगा 60 मिनट की परीक्षा होती है, जिसमें आपको इंग्लिश पूछा जाता है और जनरल यानी रीजनिंग पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाएगा और जीए पूछा जाएगा, ठीक है बेटा, यानी 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और उनका मार्क्स जो होगा वो 50 होगा, तो ये एक क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है बेटा, और 60 मिनट आपको मिलेगा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें आपका इंग्लिश, आपका रीजनिंग, मैथ और जीए ये वाला पार्ट रहेगा, हर में 25-25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। निगेटिव मार्किंग, एक बच्चा अक्सर सवाल पूछते रहता है सर क्या इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी, तो देखिए निगेटिव मार्किंग लिखा हुआ, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स, ठीक है, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स है तो एक प्रश्न गलत होने के लिए 0.5 कट जाएगा, 1/4 आपके निगेटिव मार्किंग है, 1/4, जैसा कि परीक्षा में होता है। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, मेरे ख्याल से और कुछ बचना नहीं चाहिए, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप इस पीडीएफ से देख लीजिएगा, अभी पीडीएफ डाल दूंगा, तो ये फॉर्म जरूर डालिएगा, और मेरा सजेशन जो होगा ये ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म को स्टार्ट में ही डालना है बेटा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इंतजार करते रहते हैं, देखिए आप इंतजार करेंगे एक तो सेंटर भी आपको उल्टा पुल्टा मिलेगा,